Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की जो सिलेक्शन लिस्ट आई है आज और साथ में जो वेटिंग लिस्ट आई है इसका कट ऑफ एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन जो लिस्ट है उसमें लास्ट कट ऑफ क्या है और उसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट है उसके बेस पर सेकेंड और थर्ड लिस्ट जो आएगी जो कि डेफिनेटली आएगी उनमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं एमएससी केमिस्ट्री से। तो ये जो रेड कलर में लिखे हुए ये सारे सिलेक्शन लिस्ट में है। तो सिलेक्शन लिस्ट में केमिस्ट्री के अंदर यूआर के अंदर जो कट ऑफ है वो 176 है विच इज़ वेरी हाई। केमिस्ट्री के अंदर कट ऑफ बहुत पेपर टफ था तो कट ऑफ लो है और 176 पर राजस्थान में सिलेक्शन होना यानी कि हाई कट ऑफ है, ये नीचे डेफिनेटली आएगा। ओबीसी में भी 141 हाई है, 163 भी हाई है ईडब्ल्यूएस के अंदर, 95 एससी में और एसटी में 69। यदि मैं वेटिंग लिस्ट फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो फर्स्ट में आपको दिख सकता है 146 तक आ जाएगा, ओबीसी के अंदर ये 123 तक आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस के अंदर 112 तक ये आ जाना चाहिए और एससी के अंदर 77 तक ये आ जाना चाहिए। वहीं अगर सेकंड कट ऑफ लिस्ट वेटिंग फर्स्ट और वेटिंग सेकंड यानी कि ये फर्स्ट लिस्ट हो गई, सिलेक्शन लिस्ट सेकंड, सिलेक्शन लिस्ट थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यूआर के अंदर आपको 137 तक ड्रॉप दिख सकता है, आपको ओबीसी के अंदर 109 का, आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर 107 का और आपको एससी के अंदर 62 तक आपको दिखाई दे सकता है। एसटी में जितने भी लोग हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो अभी जो पहली सिलेक्शन लिस्ट आई है यूआर उसमें 198 पर क्लोज हुआ है, ओबीसी उसमें 176 पर क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस इसमें 187 पर क्लोज हुआ है, एससी इसमें 152 पर क्लोज हुआ है और एसटी इसमें 131 पर क्लोज हुआ है विच इज़ डेफिनेटली वेरी हाई। तो सेकेंड और थर्ड आनी आनी है। तो सेकेंड लिस्ट में आपको पहला जो दिखाई देगा वो 185 तक आपको ड्रॉप दिखाई देगा, ओबीसी के अंदर 167 तक, ईडब्ल्यूएस के अंदर 169 तक, एससी के अंदर 129 तक और एसटी के अंदर 122 तक। वहीं अगर ये थर्ड लिस्ट आएगी तो थर्ड में आपको ये 178 तक का ड्रॉप आएगा, फिर ओबीसी में 160 तक ये आ जाएगा, अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूँ 163 तक आपको दिखाई देगा, एससी में 110 और एसटी में 63 तक आपको ये दिखाई देगा। मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में यूआर में सिलेक्शन लिस्ट में अभी 160 पर सिलेक्शन हुआ है, लास्ट कट ऑफ 160 है, ओबीसी में 133 है, ईडब्ल्यूएस में 119 है, एससी के अंदर 130 है और एसटी के अंदर 146 है। पहली लिस्ट जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें आपको यूआर में ड्रॉप दिखाई दे सकता है 132, ओबीसी में 126, ईडब्ल्यूएस में 103 और एससी के अंदर 100। वहीं थर्ड लिस्ट की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में यूआर में 128, ओबीसी में 108, एससी के अंदर 66 और एसटी के अंदर आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 66 और एससी के अंदर आपको 77 तक ये आपको दिखाई दे सकता है, इतना आराम से जा सकता है। फिर अगर हम इसके अलावा फर्दर कोर्सेज की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी माइक्रोबायोलॉजी में जो कट ऑफ है वो 203 है जो सिलेक्शन लिस्ट आई है पहली, ओबीसी में अगर मैं बात करूँ तो 193 है, EWS में अगर मैं बात करता हूँ तो 188 है, SC में अगर मैं बात करता हूँ 141 है और ST में अगर मैं बात करता हूँ तो 123 है। अगर सेकंड और थर्ड लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है जो वेटिंग लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली, तो UR में ये आपको देखने को मिल सकता है 196 तक, OBC में 177 तक, EWS में 175 तक, SC में 103 और ST में ये 82 तक फिल हो जाएगा। सेकेंड या थर्ड जो लिस्ट आएगी उसमें यूआर में माइक्रोबायोलॉजी में 190 ओबीसी में 160, ईडब्ल्यूएस में 163, एससी के अंदर 79 तक ये आना चाहिए। बायोटेक की बात करें तो बहुत हाई कट ऑफ है, 232 है फर्स्ट जो सिलेक्शन लिस्ट है या जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें, ओबीसी में 206 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 216 है, एससी के अंदर 188 है और एसटी के अंदर 136 है। अगर सेकेंड लिस्ट की हम बात करें तो वहाँ 202 तक ये आ जाना चाहिए, 202 तक, ओबीसी में हम बात करें तो 189 तक ये आना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में बात करें 175 तक, एससी में बात करते हैं तो 158 तक ये आ जाना चाहिए। अगर हम थर्ड लिस्ट की बात करें तो 194 यूआर के अंदर दिखाई देना चाहिए आपको बायोटेक में,
ओबीसी में ये 182, ईडब्ल्यूएस में 183 तक और एससी में 120 तक आ जाना चाहिए। बायोकेम की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में ये 202 तक है, 202, ओबीसी में 158, ईडब्ल्यूएस में है ये 201, एससी के अंदर है 149। यदि हम सेकंड और थर्ड लिस्ट की बात करें तो यूआर में आपको ये देखने को मिल सकता है 194, ओबीसी में 152, ईडब्ल्यूएस में बात करें 175 और एससी में बात करें तो 103। वही थर्ड लिस्ट की बात करें तो यूआर में आपको बायोकेम में दिखाई देगा 186 तक आना चाहिए, ओबीसी में 141 तक आना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 142 तक और एससी के अंदर 85 तक ये आ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ और जो फर्दर कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, अगर इनकी बात करें तो इंटीग्रेटेड में कट ऑफ लो है, तो यूआर में जो है वो 187 है फिजिक्स में, ओबीसी में 169 है, ईडब्ल्यूएस में 179 है, एससी के अंदर 123 है और एसटी के अंदर 101 है। अगर सेकंड लिस्ट में बात करें तो यूआर के अंदर ये 174 आ जाना चाहिए और थर्ड लिस्ट में यूआर में 163 आ जाना चाहिए, ओबीसी में ये सेकंड लिस्ट में 159 तक पहुंच जाना चाहिए और थर्ड में ये 154 तक ओबीसी में आ जाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में ये 162 और 146 तक इजीली आ जाना चाहिए, एससी में 112 और 64 तक ये आराम से आ जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ तो वैसे ही लाले पड़ रहे हैं एडमिशन के, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो यूआर में 148 है और ओबीसी में 125 है, ईडब्ल्यूएस में 110 है, 11 और एससी में भी सेम है और एसटी में भी 99 है। यदि सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की बात करें तो यूआर में ये आराम से ड्रॉप हो जाएगा 116 तक और थर्ड लिस्ट में आपको 110 तक दिखाई देगा, ओबीसी में 100 और 89 तक आपको दिखाई देगा, ईडब्ल्यूएस में 107 और 92, एससी के अंदर 90 और 77, एसटी के अंदर 93 और 39। वहीं अगर इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड में बात करें तो अभी जो पहली सिलेक्शन लिस्ट है उसमें 159 है, 113 है, 111 है, 96 है और 102 है। सेकंड और थर्ड लिस्ट की बात करें तो सेकंड लिस्ट में 115 और थर्ड लिस्ट में 98 यूआर का दिख सकता है, ओबीसी में 93 और थर्ड में 67 आपको दिखाई दे सकता है, ईडब्ल्यूएस में 98 तक ये क्लोज हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा सीट्स है नहीं, ये 98 पे आराम से क्लोज हो जाएगा, उसके बाद बच्चे ही नहीं। एससी में 75 और 65 तक ये आपको दिखाई देना चाहिए। तो ये कट ऑफ एनालिसिस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, जो सिलेक्शन लिस्ट आई है उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट सेकंड और थर्ड आएगी उसके बाद भी आएंगी, मैं सेकंड थर्ड तक का भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।